हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आज पूचू आ गई है फिर से अपने पूचू के किचन में। तो आज पूचू के किचन में मैं आज बनाने वाली हूँ चिकन। वेज तो मैंने बहुत बना लिए, अब नॉन वेज भी बनाते हैं। सबको वेज तो पसंद नहीं होता ना, नॉन वेज तो कभी ना कभी हफ्ते में चाहिए चाहिए। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन अंगारा। तो चलिए देखते हैं चिकन अंगारा बनता कैसे है। ये 250 ग्राम चिकन लिया है मैंने। इसमें मैंने एक छोटे चम्मच से हल्दी, मिर्ची और चिकन मसाला और नमक मैंने इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मैंने मैगनेट कर लिया था। मैगनेट करने के लिए मैंने इसको कम से कम 15 मिनट रखा था। अब हम इसको करेंगे तवे पे सिकाई। चिकन अंगारा के लिए हमारे पास कोयला नहीं है जिसपे हम चिकन को भून सके, तो चिकन को भूनना जरूरी है, इसीलिए हम उसको तवे पे सिकेंगे। तो आइए देखते हैं इसको तवे पे हम कैसे सिकेंगे। मैंने एक छोटा चम्मच तवे पे ऑयल डाला है। ऑयल को हम अच्छे से फैला लेंगे। ये ग्रेवी के लिए हमारे मसाले 5 मैंने हरी मिर्च ले ली है, एक छोटा इलायची ले लिया, थोड़ा सा मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है दालचीनी का, ये 4 लौंग है, थोड़ा सा मैंने गोल मिर्च लिया है, थोड़ा सा जीरा लिया है, ये हमारे अदरक है जो इतने बड़े टुकड़े थे, और ये ढेर सारा लहसुन है, कम से कम 4 कलियां, 4 पोटी को मैंने अच्छे से इसको निकाल कर ये कर लिया है। तो अब हम इन सबको पीस लेंगे। मसाले को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए मैं यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज भी ले रही हूँ। हमने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। कढ़ाई हमारा गर्म होते ही हमको ऑयल डालना है इसमें। उसके बाद हमको डालना है ये दालचीनी का एक टुकड़ा ले लिया है मैंने, आप देख सकते हो इतना बड़ा है। उसके बाद हमने 3-4 ये छोटे छोटे से तेज पत्ते ले लिए है, और यहाँ पे 3 लाल मिर्च ले लिए। उसके बाद मैंने लिया है प्याज। तो सबसे पहले तेल में हमको ये तीनों चीज डालना है। ज्यादा लाल नहीं करना है इसको, बस इसका कच्चापन निकल जाने तक इसको लाल करना है। अब इसके अंदर जो मैंने ये मसाले पीसे थे, ये पेस्ट हम इसके अंदर डालेंगे। दो मिनट हमने इसको चला लिया है, अदरक लहसुन का कच्चापन निकल गया है। तो अब 2 मिनट के लिए इसको हम लो फ्लेम कर लेंगे ताकि इसके अंदर मैं और मसाले ऐड कर सकूं। 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो मैंने 1 टीस्पून लिया है। आप अगर ग्रीन कलर का चाहते हैं, ऑरेंज चाहते हैं, तो आप इसके अंदर कलर डालकर भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। तीखे के लिए मैंने ये लाल मिर्ची पाउडर लिया है। ये मेरे पास चिकन मसाला है एवरेस्ट का, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ।
ये मेरे पास कटे हुए टमाटर है। टमाटर डालने के बाद मसाले में हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर हमको कम से कम 5 मिनट इसको पकाना है। टमाटर आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ये गल चुका है और मसाले एकदम ऑयल छोड़ चुके हैं। तब इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं ये चिकन जो मैंने कब से सेक कर रखा था। इसमें लगाएंगे ग्रेवी। चिकन अंगारे में आप ग्रेवी और विदाउट ग्रेवी आपको जैसे पसंद हो आप खा सकते हो, पर हमें तो ग्रेवी चाहिए इसलिए हम लगा रहे हैं। अब बिना ग्रेवी के खाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये मैंने इतना ग्रेवी लगा लिया है, पकते पकते ये हो जाएगा। अब देख सकते हो कितना अच्छा ये गाढ़ा मसाला हुआ है हमारा। अब देख सकते हो कि कोयला बिल्कुल जल चुका है, इसमें से धुआं आ रहा है और थोड़े अंगारे भी हैं। तो ये जलते कोयले को हमें इस ग्रेवी के अंदर डालना है। रेडी। देख सकते हो कि कोयला हमने जहाँ डाला है वहाँ पे अभी भी सालन जल रहा है। तो दोस्तों आज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, आपको कुछ भी रेसिपी चाहिए हो प्लीज कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।